Class, a very very good evening to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. स्टार्ट कर सकते हैं? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज. दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ऑफ सॉलिड्स बहुत ही सिंपल आसान और इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है. तो अगर आप इस 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से किसी चैप्टर को अगर आप एक या दो घंटे में पढ़ के खत्म करना चाहते हैं तो वो यही चैप्टर. इसलिए अगला डेढ़ घंटा फुल कंसंट्रेशन से सुनना मुझे, ताकि अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चैप्टर आज के आज ही अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में. ठीक है? है सब लोग रेडी? है, शुरू कर सकता हूं मैं? कैन आई स्टार्ट एवरीबडी? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू. तैयार है ना? आप लोग पेन पेपर लेके बैठते हो ना मेरे साथ? यू सिट विद अ पेन एंड पेपर एवरीबडी, राइट? एक पेन और पेपर हमेशा आपके पास होना चाहिए. ठीक है, एक मिनट है क्लास, जस्ट अ मिनट. प्लस वील स्टार्ट इन जस्ट 2-3 मिनट्स. सिर्फ 2-3 मिनट में स्टार्ट करता है.
चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब जो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें दो तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, आपके सॉलिड्स का इलास्टिक बिहेवियर, और दूसरा आपके सॉलिड्स का प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले चेक करते हैं कि इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी मैं इलास्टिक वर्ड यूज करता हूं तो सब लोग रबर बैंड की तरफ उनका ध्यान जाता है, उनको लगता है कि रबर बैंड के बारे में बात करने वाले। एक्चुअल में इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स लगाई, तो ये जो फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो उसको बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं। पर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपने एक एफ नाम की फोर्स लगाई। जैसे ही आपने एफ नाम की फोर्स लगाई, ऐसा हो सकता है कि आपके फोर्स लगाने की वजह से इस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए। तो अगर आपके फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में बदलाव आता है तो ऐसी चीज को आप कहते हो डिफॉर्मेशन। जरा जो वर्ड है उसको जरा ध्यान से देखिए। डिफॉर्मेशन वर्ड बना है फॉर्मेशन से। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। तो आपने एक फोर्स लगाई जिसके वजह से आपके ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो गया, यानी कि बदल गया, ऐसी चीज को आप बोलोगे डिफॉर्मेशन। तो जो आपने फोर्स लगाई उसका नाम हमने रख दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डिफॉर्मिंग फोर्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स लगाने की वजह से आपको डिफॉर्मेशन मिला। पर सवाल ये उठता है कि अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी तो व्हेन वी रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई और आपके डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने की वजह से ऑब्जेक्ट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, कब? जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो आपके ऑब्जेक्ट ने अगर उसका ओरिजिनल शेप और साइज वापस उसने गेन कर लिया, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। क्या आप मुझे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो ऐसे इलास्टिक बिहेवियर शो करता हो? क्या लगता है आपको? जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के बाद वो अपना शेप और साइज चेंज करेगा। जब आप फोर्स हटा दोगे तो वो शेप और साइज अपना ओरिजिनल रीगेन कर लेगा। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या आपने स्पॉन्ज का डस्टर देखा है? यस, रबर बैंड तो है ही, रबर बैंड तो है ही, जो हम रेगुलर लाइफ में जो यूज करते हैं रबर बैंड वो तो है ही। बट उससे हट के अगर कोई एग्जांपल देना हो तो
रबर बैंड से कोई हट के अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो स्प्रिंग, बढ़िया स्प्रिंग कैन बी एन एग्जाम्पल, और क्या? जी स्प्रिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है? बॉल हो सकती है, बराबर है, बॉल हो सकता है। मेटल कैसे हो जाएगा अमन? आप इधर ये दुनिया में रहते हो अमन, कहीं और रहते हो आप? हाँ अमन, डू यू रियली स्टे इन दिस वर्ल्ड? इलास्टिक मेटल, जरा नाम बताना मुझे एक आधे इलास्टिक मेटल का। ऐसा कौन सा इलास्टिक मेटल है जो आपके फोर्स हटाने से वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा, बताना जरा मुझे। स्ट्रेस बॉल, हाँ वही वही जो बॉल हमने लिखा है वो स्ट्रेस बॉल ही है, बराबर। आप इस बात को ध्यान दे रहे हैं, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, आपने एक फोर्स लगाने की वजह से, आपके एक फोर्स लगाने की वजह से उसका शेप और साइज चेंज हुआ, पर जब आपने वो फोर्स हटा दी तो आपके फोर्स हटाने से ही वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाता है। जैसे ही आपने फोर्स हटाई, ये जो भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जैसे किसी किसी ने एग्जांपल दिया है स्पॉन्ज, हैव यू सीन स्पॉन्ज? पहले डस्टर की तरह यूज करते थे हम, स्पॉन्ज वाला डस्टर देखा है सब लोगों ने, पहले बहुत फेमस था, चौक के बोर्ड सब थे, है ना? ये स्पॉन्ज वाले डस्टर को आप ऐसे प्रेस करोगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, आर यू श्योर? पर जब आप फोर्स हटा दोगे क्या वो ओरिजिनल शेप और साइज ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा। पर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ओरिजिनल शेप और साइज लाने के लिए क्या आपको फोर्स लगानी पड़ी? नहीं, आपको उसका शेप बिगाड़ने के लिए, उसको डिफॉर्म करने के लिए आपने फोर्स लगाया था, पर उसका ओरिजिनल शेप और साइज वो खुद वापस खुद ही रिगेन कर लेता है। इस डायलॉग को एक और बार लगे तो अच्छे से पढ़ लो, और मैं क्या आप तक कन्वे करना चाहता हूं जरा वो सुन लो। When we remove deforming force, object regains its original shape or size. आपके force हटाते ही, वैसे ये जो deforming force है यही आपका applied force है, यानी कि जो force आप apply करते हो, आपका deforming force हटते ही, यानी आपकी applied force हटते ही object original shape or size regain कर लेता है। पर सवाल ये उठता है how? कैसे? वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज कैसे रिगेन कर लेता है? इसकी कहानी छुपी हुई है एक ऐसे फोर्स के अंदर जिसको बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि अगर मैं स्प्रिंग के किस्से में समझाऊं या किसी भी चीज के किस्से में अगर मैं समझाऊं, तो जब आप किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो उसके बॉडी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। व्हेन वी रिमूव अप्लाइड फोर्स देन Restoring force comes in action, तब आपका restoring force action में आता है, and object regains its original shape and size. ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये पूरी की पूरी जो स्पेशलिटी है, वो इस रिस्टोरिंग फोर्स पे ही डिपेंडेंट होती है।
जो सिर्फ कुछ ना कुछ मटेरियल ही खुद के अंदर डेवलप कर पाते हैं। पर आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि सर ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली आती कहां से है? तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर फिनोमेना है, मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उन मॉलिक्यूल्स के पास ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर करते हैं। वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप और साइज को वापस लाने के लिए मदद करता है। इसलिए कुछ लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो अपना ओरिजिनल और शेप और साइज, जो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर सकते। कब रीगेन नहीं कर सकते? व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को प्लास्टिक बोला जाता है, या उनकी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोला जाता है, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को प्लास्टिक बॉडी बोला जाता है। अब बच्चा सोचता है प्लास्टिक बॉडी का मतलब वो बॉडी जो प्लास्टिक से बनी है। नहीं, प्लास्टिक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक बॉडीज वो होंगे जो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन नहीं कर सकते जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गूंदा हुआ आटा देखा है? गूंदा वो गुंडा हुआ लग रहा है ना, गूंदा हुआ नहीं, आटा देखा, आटा गूंदा हुआ आटा देखा? अगर वो गूंदे हुए आटे पे एक पंच मार दो तो क्या वो आटा वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज लेगा? नहीं लेगा। अब आटा थोड़ी ना प्लास्टिक है, आटा प्लास्टिक है क्या? नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्ले है ना, आटा अगर नहीं देखा क्ले है ना। ऐसी सब चीजें प्लास्टिक बॉडी के टर्म्स में आती हैं और वो जो बिहेवियर दिखाते हैं उसको प्लास्टिसिटी बोला जाता है। प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। प्लास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। और जो ऑब्जेक्ट्स ऐसा दिखाते हैं उनको प्लास्टिक बॉडी बोला जाता है। वैसे ही जो लोग इलास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं उनकी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में भी बच्चे को दिमाग में एक बहुत ही बड़ा मिथ होता है। उनको लगता है सिर्फ रबर ही ऐसी चीजें कर सकता है। जरूरी नहीं है, रबर के अलावा भी बहुत सारी चीजें इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखा सकती हैं। तो क्या आप लोगों के दिमाग में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में क्लैरिटी आ गई? सब लोगों को समझ में आ गया? पक्का? एनी डाउट्स? अभी तक से कोई डाउट है किसी के दिमाग में? डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आया? शेलॉम का सवाल है दैट व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट डज बोथ, इट रिगेन्स पार्शली। देखिए शेलॉम का सवाल है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि
एक ऑब्जेक्ट भले ही पूरी तरह से अपना ओरिजिनल शेप ना रिगेन कर सके, थोड़ा करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हम उसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ही वीक है, है इलास्टिक प्रॉपर्टी है पर वो बहुत वीक है। पर हम ये भी जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों करता है कि वो पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में क्यों नहीं आ सकता। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके दिमाग में थोड़ा ये डाउट को थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहता हूं। डाउट ऐसा है कि हम डाउट के तौर पे रबर बैंड को इस्तेमाल कर लेते हैं। आप रबर बैंड को पहले खींचिए, जब नया नया रबर बैंड आपके पास आएगा उसको खींचिए। सो नया नया रबर बैंड जब आपके पास आएगा और आप उसको खींचोगे, तो अगर रबर बैंड इतना सा है तो पहली बार खींच के अगर आपने उसको छोड़ा, माइट बी पॉसिबल रबर बैंड वापस इतने पे आ जाए, पर एक दो बार जरा खींचना और छोड़ना, रबर बैंड वापस अपने शेप में नहीं आ पाएगा। अपने शेप छोड़ो, शेप में आ जाएगा, साइज में नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद आपको रबर बैंड बड़ा मिलेगा। तो क्या हम ये बोलेंगे कि रबर बैंड ने अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर दी है? नहीं, रबर बैंड के पास अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है पर वो कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हो गई है, ये चैप्टर के अंत में थोड़ा एक दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगी। इज दैट क्लियर शिलोम? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के जो दो मेन खिलाड़ी हैं, वो दो मेन खिलाड़ी हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर आपको ये दोनों खिलाड़ी समझ में आ गए तो ऐसा समझ लीजिए कि 80% चैप्टर इन्हीं दोनों के ऊपर है। तो इसलिए इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है? और क्लास मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता, मेरा गला खराब है, तबीयत खराब है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाँ टॉपिक समझ में आया नहीं आया, तो आप लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा क्विकनेस दिखाना है, आपको अपनी तरफ से थोड़ा पावर दिखाना है। आज मेरे पास पावर अगर कम है तो आपकी पावर की जरूरत है, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आया नहीं आया समझ में, तो आप क्लियर कट थोड़ा पॉजिटिव और अच्छी तरह से आप वहां से रिप्लाई देंगे तो मुझे भी समझ में आएगा। वरना हर बार कैसा होता है, मैं थोड़ा चिल्लाता हूँ, थोड़ा पूछता हूँ, 4-5 बार पूछता हूँ, 6 बार पूछता हूँ, 10 बार पूछता हूँ, तब जाके आप लोग खुल के दिल खोल के मेरे को बोलते हो। आज एक बार दो बार पूछूंगा, आप उसमें ही हाँ या ना या जो डाउट है आप क्लियर कट मुझे पूछिए, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो खिलाड़ी अगर आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाते हैं तो ऐसा समझिए ये चैप्टर आपका डन है। अब ये जो स्ट्रेस नाम की चीज होती है, ये होती क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। कहीं कहीं पे रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया भी कहा जाता है। अब आपको एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द जगह पे जो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स होती है वो बराबर होती है आपके रिस्टोरिंग फोर्स के। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए ये एक दीवार है, इस दीवार पे आपने एक स्प्रिंग को लगा के रखा है इस तरह से। थोड़ी देर के बाद आप क्या करते हो, आप इस स्प्रिंग को थोड़ा आगे तक खींच लेते हो ऐसा। जब आपने इस स्प्रिंग को खींचा तो आपने उसके ऊपर FD लगाया। FD माने डिफॉर्मिंग फोर्स। जब आपने अपने स्प्रिंग के ऊपर FD लगाया यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग के अंदर
एक रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप अपना हाथ यहां से हटाओगे, वो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को वापस उसके शेप में लाने की कोशिश करेगी। तो जितनी ज्यादा आप डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लगाओगे, उतना ज्यादा आपके स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होते जाता है। अगर आप स्प्रिंग के बारे में ज्यादा ही जानना चाहते हैं, तो आप अपनी डेली लाइफ में जो भी स्कूटी बाइक जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपने देखा होगा फ्रंट में दो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, पीछे दो स्प्रिंग लगे होंगे। नॉर्मल बाइक होगी तो थोड़ी हाई एंड बाइक ले लेंगे, थोड़ी नॉर्मल से ऊपर की बाइक पे जाएंगे तो सिंगल मोनो शॉक आपको बाइक के सेंटर में मिलेगा। क्यों लगाया आपके बाइक में इतने अच्छे स्प्रिंग्स? क्योंकि अगर खड्डे खड्डे में बाइक चले जाए, खड्डा खड्डा तो छोड़ ही दो, बिना खड्डे के भी आपको स्प्रिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर आप बाइक के ऊपर बैठते हो, दो लोग भी मिनिमम बाइक के ऊपर बैठते हैं आजकल, एक एवरेज आदमी और उसके पीछे बैठने वाले इंसान का एवरेज वेट अगर 60 किलो भी पकड़ लो, तो ऐसे ही बाइक के ऊपर 120 किलो वजन तो ऐसे ही है। 100 किलो का वजन अगर गाड़ी पे रखोगे और गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं होंगे, तो गाड़ी पूरी की पूरी दब जाएगी। तो क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर 120 किलो के दो लोग गाड़ी पे बैठे हैं, इसका मतलब वो गाड़ी पे FD लगा रहे हैं, वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ दबा रहे हैं? और स्प्रिंग उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स वापस लगाता है, ताकि आपके जो बाइक है उसमें एक बैलेंस बना रहे। इसलिए अगर आप स्ट्रेस का फॉर्मूला देखेंगे, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया या फिर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दोनों चीजें लिखेंगे तो चलेगा। अगला नॉलेज ये है कि एरिया क्या होगा, किसके एरिया की बात कर रहे हैं आप? यहां पे हम एरिया की जो बात कर रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वो वस्तु जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो वो वस्तु कैसी भी हो सकती है। अगर वो वस्तु एक सर्कल है, तो आपका एरिया पायर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग एक सर्कल की तरह बिहेव करता है, पर उसमें आपको पायर स्क्वायर इंटू एल भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग के पास लेंथ भी होती है। स्प्रिंग को एक सिलेंडर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लेंथ को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आप अगर इसको सिलेंडर की तरह कंसिडर करेंगे तो सॉल्व उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सपोज करो आपके पास एक ऐसा स्क्वायर है, तो इसका एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का एरिया विल गिव यू स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट क्या बनेगा? व्हाट विल बी यूनिट ऑफ स्ट्रेस? फोर्स का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट आप जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। और आप इसको पास्कल भी बुला सकते हैं, PA फॉर पास्कल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट इज स्ट्रेस। आप कितना फोर्स लगाते हैं अपॉन एरिया। अगला मैं जा रहा हूं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, आयुष विश्वकर्मा का सवाल है कि सर क्या स्ट्रेस और प्रेशर सेम होता है? जी, स्ट्रेस और प्रेशर एग्जैक्टली सेम होता है, पर उन दोनों का यूज अलग अलग जगहों पे। जब आप प्रेशर की बात करते हो, तो बेसिकली आप एयर यानी कि आप गैशियस स्टेट पे जब आप बात करते हो, तो वो आप प्रेशर के टर्म्स में बात करते हो। पर इस चैप्टर में, हमारे चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो जब आप सॉलिड के ऊपर बात करते हो, तो आप प्रेशर का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, आप स्ट्रेस नाम का वर्ड का इस्तेमाल करते।
आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस डिफरेंस. मैं वेट ही कर रहा था कि कोई ना कोई सवाल मुझे जरूर पूछेगा, क्योंकि आपने बचपन में प्रेशर का भी फॉर्मूला देखा होगा, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है? तो ये डाउट आपके दिमाग में आना ही चाहिए था, यार प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है. हालांकि ये डाउट आपको यहीं पे आ जाना चाहिए था जब आपने पास्कल सुना, पर मैंने जानबूझ के आपके सामने नहीं बोला, क्योंकि अगर आप बचपन याद करेंगे तो प्रेशर का यूनिट पास्कल्स होता है, आपको याद आएगा. तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस सेम है? बिल्कुल सेम है, बस प्रेशर गैसियस स्टेट में यूज होता है, स्ट्रेस सॉलिड स्टेट में यूज होता है. आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो हमारा चीज है दैट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सवाल ये उठेगा आपके दिमाग में कि सर चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या? इस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन पढ़ेंगे, पर मैं इतना आपको वेट नहीं करवाना चाहता. मैं आपको डायमेंशंस का मतलब बता देता हूं. हो सकता है कि अगर आपने स्ट्रेस लगाया तो हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आया. हो सकता है कि जब आपने स्ट्रेस लगाया तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आया. हो सकता है जब आपने स्ट्रेस लगाया तो ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आया. इन सब चीजों को लेके आप डायमेंशन का डिस्कस करते हैं. तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल डायमेंशन को याद रखें और आपके डायमेंशन में आने हुए बदलाव को याद रखें, और अगर आप उन दोनों को डिवाइड करें, तब जो आपको क्वांटिटी मिलती है उसको बोला जाता है स्ट्रेन. पर डायमेंशन यानी कि किस किस चीजों में बदलाव आ सकता है, लेंथ में बदलाव आ सकता है, वॉल्यूम में बदलाव आ सकता है, शेप में बदलाव आ सकता है. इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए और आपके दिमाग में ज्यादा डाउट ना लाने के लिए मैं फटाफट एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये डायमेंशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं. सबसे पहले एक स्ट्रेन आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसका नाम है लॉन्जिट्यूडिनल, या फिर कहीं कहीं टेक्स्ट बुक्स में इसको टेंसाइल स्ट्रेन भी बोला जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक इस तरह की कोई वायर वगैरह थी जिसकी लंबाई L थी, तो आपने अपने टीम मेंबर को कहा इसकी ओरिजिनल लंबाई नोट कर लो, तो उसने कहा ओरिजिनल लेंथ बराबर L. फिर उसके बाद कोई आपके पास आया, उसने बोला यार मैं इस पे फोर्स लगाना चाहता हूं, तो आपने कहा लगाओ. उस बंदे ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F. ये फोर्स लगाने के बाद आपकी जो रस्सी है वो थोड़ी बड़ी हो गई, यानी कि पहले आपके रस्सी का लेंथ L था, अब आपके रस्सी के लेंथ में डेल्टा L का फर्क आ गया, यानी कि वो फोर्स लगाने की वजह से इतना फर्क आ गया है आपके लेंथ में. तो आपने अपने टीममेट को बोला नोट डाउन करो, उसने बोला चेंज इन लंबाई इज इक्वल टू डेल्टा L. फिर उन्होंने पूछा बताओ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हुआ, तो आपको फॉर्मूला याद आया कितने लंबाई में बदलाव डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लंबाई, काम खत्म. क्या आपको समझा कि स्ट्रेन
डायमेंशन में आने वाले बदलाव के बारे में बात करता है, पर यहां कौन से डायमेंशन के बारे में हमने स्पेसिफिकली चर्चा की? हमने चर्चा की सिर्फ लेंथ के बारे में। फिर आपका दिमाग चल गया होगा, अच्छा अगली चर्चा वॉल्यूम के बारे में होगी, फिर अगली चर्चा शेप के बारे में होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक एक करके चर्चा करेंगे। परंतु हमने उस बंदे से पूछा, एक जरा तूने इस पे एक फोर्स लगाया मैंने सुना। उसने कहा हाँ। तो तुमने उसको कहा अबे तेरे फोर्स लगाने की वजह से इसके लेंथ में बदलाव आ गया। उसने कहा अच्छा। बोले हाँ, इसलिए तो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला, तेरे फोर्स लगाने की वजह से ही तो डेल्टा एल नाम का चेंज आया ना। उसने कहा ये तो बढ़िया है। तो हमने कहा कि यार तेरे फोर्स को एक स्पेशल नाम देना। उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको नाम दे दिया। उसने कहा मैं मेरे फोर्स यानी कि मैं मेरे स्ट्रेस को आज से कहूंगा लॉन्जिट्यूडिनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि आप जो फोर्स लगाते हैं वही तो आपका स्ट्रेस होता है। सो आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, फोर्स अपॉन एरिया, भूलिए मत। यही फोर्स है जो आपने इस वायर पे लगाया था, तो अगर आप फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो वो आएगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जिसके लगाने से आपके ऑब्जेक्ट के लेंथ में बदलाव आता है। किसमें बदलाव आता है? लेंथ में। अ स्ट्रेस विच ब्रिंग्स चेंज इन लेंथ ओनली। प्लीज इस बात पे ध्यान दे कि हमें सिर्फ लेंथ में बदलाव में अभी फिलहाल इंटरेस्ट है। आपको एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि नहीं नहीं सर, मैंने फोर्स लगाया, लेंथ भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया, शेप भी बदल गया। मैं जानता हूं आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ सकता है, पर कृपया फिलहाल आपका दिमाग इस चीज में रखें कि हम सिर्फ लेंथ में आने वाले बदलाव में फिलहाल इंटरेस्टेड है। तो आपके दिमाग में एक बात रखें कि आप जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आप निकालेंगे फोर्स अपॉन एरिया करके, आप उसको सिर्फ स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, आप उसको लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेन तो कौन से डायमेंशन में बदलाव आया? लेंथ नाम के डायमेंशन में बदलाव आया। जितना बदलाव आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, काम खत्म। हाँ या ना? चेक कर लीजिए। पक्का एवरीबॉडी इज ओके विद इट? ठीक है। अब मैंने अगले कौन से डायमेंशन के बारे में यहां पे लिखा है? वॉल्यूम। तो चलिए वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। नाम तो आपने गेस कर ही लिया होगा, है ना? वी कैन कॉल इट एज वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर इसके अगर स्ट्रेस की अगर आप बात करें तो इसको बोला जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। सो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी डेल्टा वी बाय वी एंड वॉल्यूम स्ट्रेस विल अगेन बी फोर्स अपॉन एरिया। इस बारे में आप खुद ही सोचिए, समझिए। आपने एक फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने की वजह से किसी के वॉल्यूम में बदलाव आया। अब वॉल्यूम में बदलाव आने का मतलब क्या होगा? सपोज कीजिए कि ये एक कोई तो गोला आकार वस्तु है, आपने इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया,
और आपके फोर्स लगाने की वजह से ये चीज घट के इतनी सी हो गई, छोटी हो गई। तो क्या इसके वॉल्यूम में बदलाव आया? बिल्कुल आया। पहले देखिए कितना बड़ा था, अब देखिए कितना छोटा है। सो इसके वॉल्यूम में डेल्टा वी का बदलाव आया होगा जो आपने ऊपर लिखा, और ओरिजिनल वॉल्यूम आपने नीचे लिखा, आ गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। और उसी फोर्स को आप नाम दे रहे हो वॉल्यूम स्ट्रेस का, फोर्स अपॉन एरिया। चेक कर लीजिए, सिंपल एंड स्वीट। पक्का कोई डाउट नहीं है, बातें क्लियर है आप लोग के दिमाग में? लास्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यश इज सेइंग एफ बाई वी आएगा। कौन बोला आपको एफ बाई वी आएगा? यश, एफ बाई वी आएगा, कौन पढ़ा है आपको ऐसा? किधर लिखा है एफ बाई वी? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? बस आप अपने दिमाग को ये समझाइए कि हम ये वॉल्यूम टर्म आगे क्यों ऐड कर रहे हैं। बस अपने दिमाग को आपको ये समझाना, क्योंकि आपने जो स्ट्रेस लगाया उसके वजह से वॉल्यूम में बदलाव आया, इसलिए आप वॉल्यूम टर्म आगे लगा रहे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दैट थिंग। एक स्पेशल वर्ड आगे क्यों लगाया जा रहा है? इसके पहले आपने लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि लेंथ में बदलाव आ रहा था। अभी आपने वॉल्यूम वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला है शियरिंग। स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस नेगेटिव होगा, होता है क्या? स्ट्रेस कैसे नेगेटिव हो सकता है बेटा? स्ट्रेस फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया को आप स्ट्रेस कहते हैं, तो स्ट्रेस कैसे नेगेटिव हो जाएगा? क्या कभी नेगेटिव में आप फोर्स लगा सकते हो? नहीं ना। चलिए, शियरिंग वर्ड सुनते ही आधे लोग तो भागने लगते हैं, उनको लगता है शियरिंग का मतलब क्या हो। याद रखिए, यहां पे आप जिस डायमेंशन की चर्चा कर रहे हो ना, वो है यहां पे शेप। यानी कि अगर आपके शेप में बदलाव आता है, ऑब्जेक्ट के शेप में, तब आप शियरिंग वर्ड यूज करते हो। अगर आप थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीन तरह के ही डायमेंशन में हमें इंटरेस्ट है, लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसलिए अभी हम शेप पे आए। शेप में आने वाले बदलाव को आप शियरिंग वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। सो जब आप शियरिंग स्ट्रेन पढ़ रहे हैं या जब आप शियरिंग स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, तो आप शेप में आने वाले बदलाव की अगर चर्चा करेंगे तो वो चर्चा कैसे की जाएगी? सपोज करिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, और सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट को आपने इधर से एक फोर्स लगाया ऐसा, एफ नाम का, और थोड़ी देर के बाद
आपको समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखने लग गया है। अगर आपने बचपन में थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनिशियली ये बंदा एक स्क्वायर था जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा, बट मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये बंदा एक पैरेललोग्राम बन चुका है। अंडरस्टैंड करते हैं पैरेललोग्राम, है ना? पहला चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसमें पैरेललोग्राम पढ़ा है ना हम लोगों ने, बराबर है। तो क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारे फोर्स लगने की वजह से इस ऑब्जेक्ट के शेप में बदलाव आ गया? बिल्कुल करते हैं, आया है शेप में बदलाव, आप देख सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक थीटा नाम का बदलाव आया है। उस ऑब्जेक्ट का साइड डेल्टा एल से शिफ्ट हो गया है। चेक करिए, इस पॉइंट पे था पहले वो साइड, अब वो शिफ्ट होके यहां पहुंच गया है, है ना? यहां पे जो डेल्टा एल आप देख रहे हैं वो लेंथ में आने वाला बदलाव नहीं है। आप जो डेल्टा एल यहां पे देख रहे हैं उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है उसको? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यानी कि पहले आपका पॉइंट यहां था, अब वो शिफ्ट होके यहां आ गया। पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका बेस था वो अपनी जगह से फिलहाल नहीं हिला है, हमने ऐसा जानबूझ के कंसीडर किया। एक चीज तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, तो हमने जानबूझ के बेस को नहीं हिलाया है, सिर्फ आपके जो अपर पार्ट है उसको हिलाया है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरा का पूरा शेप ही बदल जाए? पॉसिबल है, बट हम उतने हाई लेवल पे जाके नहीं पढ़ रहे, हम अभी लोअर लेवल पे। लोअर लेवल मतलब स्क्वायर से पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या शेप में बदलाव आ रहा है? हाँ, पर उसके अंदर भी बेस वही जगह पे टिका हुआ है, बस अपर पार्ट थोड़ा मूव करता है, यानी कि अपर पार्ट एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो जब आप शेयरिंग स्ट्रेन की जब आप बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यहां पे हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आपकी लंबाई है वो एल ले लेते हैं यहां से, तो आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा एल बाय एल। अब ये फॉर्मूला क्यों खतरनाक है? ये फॉर्मूला इसलिए खतरनाक है क्योंकि बच्चे को लगता है डेल्टा एल बाय एल का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिखने के लिए वैसे ही दिखता है, पर आप भूल रहे हैं डेल्टा एल चेंज इन लेंथ नहीं है यहां पे और एल लेंथ नहीं है यहां पे। एल क्या होगा वो भी जरा सुन लीजिए। एल इज डिस्टेंस बिटवीन
अपर लेयर एंड बेस लेयर, बेस लेयर या फिर फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर यानी कि जो लेयर मूव नहीं करती, एल वो डिस्टेंस होता है यहां पे। अपर लेयर मूव कर रही है, लोअर लेयर मूव नहीं कर रही, तो अपर लेयर और लेयर, नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर के बीच का जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगा उसको आप यहां पे एल मानेंगे, और जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया वो आपका डेल्टा एल होगा। इस चीज को आप टैन थीटा भी बोल सकते हो या लगभग इक्वल टू थीटा भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो डेल्टा एल बाय एल इज एक्चुअली टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा। सो बेसिकली जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो थीटा में मेजर किया जाता है, थीटा यानी कि एंगल में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेसिकली स्क्वायर और पैरेललोग्राम के साइड्स में सिर्फ एक एंगल का ही तो फर्क है। इसी एंगल की वजह से एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम से अलग है। और अगर आप शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेस की बात करें तो यहां पे फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, फोर्स अपॉन एरिया। बस कहीं कहीं पे इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके इस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स लिख दिया जाता है अपॉन एरिया। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फोर्स मैंने लगाई है यहां पे, ये फोर्स ऐसी लगाई है जैसे कि एक टेंजेंट हिट कर रहा हो, इसलिए इस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स का नाम दिया जाता है। And that's not a bit difficult thing to understand. What is important to understand here is, जब आप शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो भले ही स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, वो चीज यहां पे अप्लाई नहीं हो रही। हो रही है बट उतने अच्छी तरह से नहीं हो रही है, क्योंकि आपको यहां पे आपका पूरा का पूरा शेप ही बदल जा रहा है। इसके पहले वाले दो किस्सों में कितनी बेहतरीन तरीके से हमने अप्लाई किया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना बढ़िया तरीके से बैठा। पर शेप के केस में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखने हैं। इन द केस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, डेल्टा एल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे मैं थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूं, फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, ये जो आपकी लेयर है ये फिक्स थी, उससे आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो डेल्टा एल है, और जो आपका L है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अपर लेयर एंड द फिक्स्ड लेयर। इज इट क्लियर? चेक कर। पक्का? आई नो इट्स इजी। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। तीन चीजें थी, लेंथ वॉल्यूम शेप, खुद को समझाओ, लेंथ वॉल्यूम शेप, लेंथ वॉल्यूम शेप। ठीक है, क्विक रिकैप दे देता हूं, ठीक है, लिख दू रिकैप के बदले एक जगह पे लिख के देता हूं, सब चीज एक साथ है ना, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके बाद था वॉल्यूम स्ट्रेस, उसके बाद था शेयरिंग स्ट्रेस। क्या है भाई लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। क्या है भाई वॉल्यूम स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। क्या है भाई शेयरिंग स्ट्रेस?
फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस वाले भाई साहब से पूछो, अच्छा बताओ जब हम तुमको अप्लाई करेंगे तो किस डायमेंशन में बदलाव आएगा। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस वाले भाई साहब कहते हैं अगर तुमने मुझे अप्लाई किया तो लेंथ में बदलाव आएगा। अच्छा, तो लेंथ में आने वाला बदलाव अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेस वाले के पास जाओ, अगर हमने तुमको लगाया तो किस बात में बदलाव आएगा, वॉल्यूम में बदलाव आएगा, डेल्टा वी बाय वी। शेयरिंग वाले भाई साहब के पास जाओ, बोलो अच्छा शेयरिंग स्ट्रेस लगाया तो किस में बदलाव आएगा। तो शेयरिंग वाले भाई साहब ने बोला शेप में बदलाव आया। हम बोला है अब क्या करें, लेंथ में बदलाव आया था तो डेल्टा एल बाय एल लिख दिया, वॉल्यूम में बदलाव आया था तो डेल्टा वी बाय वी लिख दिया। अब अगर शेप में बदलाव आया है तो क्या हम ऐसे लिखें, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, ऐसा लिखूं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। आपको समझना पड़ेगा यहां पे फॉर्मूला होगा डेल्टा एल बाय एल, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। एक साथ लिख दिया, बोलिए अब हैप्पी है क्या, अब किसी को कोई टेंशन है? पक्का ऑल ओके? यहां तक समझ में आ रहा है? बढ़िया। अगली चीज जरा ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक हुक्स लॉ नाम का लॉ निकाला। क्या निकाला? हुक्स लॉ। अभी क्या होता है हुक्स लॉ? रॉबर्ट हुक कहते हैं कि ये लॉ क्या कहता है पता है? इस लॉ का स्टेटमेंट है विद इन इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain। ये है आपका हुक्स लॉ। जैसे ही आप हुक्स लॉ को सुनेंगे निम्नलिखित सवाल आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे, और जो सबसे आसान चीज आपको इस लॉ की समझी होगी वो ये होगी कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये तो बच्चे को भी समझ में आता है। फिर आपको समझ में आएगा कि जो स्ट्रेस है अगर मैं यहां इक्वल टू साइन डाल दूं तो यहां पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन हो जाएगा। यानी कि अगर आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करेंगे तो उसका आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। यह बात तो बच्चे को भी समझ में आती है। यानी कि हुक्स लॉ आपसे यह कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। ये जो कांस्टेंट आप यहां देख रहे हैं इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सर विद इन इलास्टिक लिमिट्स का क्या मतलब है. इसके बारे में चैप्टर में थोड़े देर में चर्चा करें, पर फिलहाल आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रेस का और अगर आप स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट बनता है जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर आता है. पर अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर मेरे पास तो बहुत सारे स्ट्रेस है, मेरे पास तो बहुत सारे स्ट्रेन है, यानी कि मिनिमम आपको तीन तो याद ही होंगे. आप मुझे आके कह सकते हैं सर मेरे पास तो तीन स्ट्रेन है, मेरे पास तीन स्ट्रेस है. तो अगर मैंने पहले दोनों का रेशियो लिया तो क्या अलग कांस्टेंट आएगा, अगर मैंने दूसरे दो का रेशियो लिया तो कौन सा कांस्टेंट आएगा, और अगर मैंने तीसरे का लिया तो कौन सा कांस्टेंट आएगा. आइए चर्चा करते हैं. अगर आपने सबसे पहले लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को डिवाइड किया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ, तो जो आपको कांस्टेंट मिलता है उसको बोला जाता है यंग्स मॉडुलस. याद रखिए ये भी एक कांस्टेंट है, जैसे कि ये एक कांस्टेंट है वैसे ये एक कांस्टेंट है. आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये एक जनरल बात हो रही है, क्योंकि आपने यहां स्पेसिफाई नहीं किया ना कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन, आपने सिर्फ जनरली बात की स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो कोई ना कोई मॉडुलस आएगा, मॉडुलस, मॉडुलस यानी कि एक आधा कॉन्स्टेंट. तो जब आपने लॉन्जिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन स्पेसिफिकली बात की तब जो मॉडुलस आया वो आया यंग्स मॉडुलस. अगर आपने वॉल्यूम स्ट्रेस को डिवाइड किया वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ तो आपको जो कांस्टेंट मिलेगा यानी कि जो मॉडुलस मिलेगा उसका नाम है बल्क मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस को वाई के साथ डिनोट किया जाता है, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट किया जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने शेयरिंग स्ट्रेस को शेयरिंग स्ट्रेन से डिवाइड किया तो जो आपको मॉडुलस मिलेगा उसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय दिस, इट इज रेड एज ईटा. इसको कैसे रीड करते हैं, ईटा, एन है एन, बस स्टाइलिश तरह से बनाना है एन को, ठीक है, ऐसे करके ऐसा कैसे रीड करते हैं इसको, ईटा. तो ये तीन तरह के मॉडुलस यानी कि ये तीन तरह के कॉन्स्टेंट्स आपको मिलते हैं जब आप अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रेस को उसके रिस्पेक्टिव स्ट्रेन से डिवाइड करें. तो हुक्स यही कहते हैं, हुक्स अपने लॉ में कहते हैं कि अगर आप विद इन इलास्टिक लिमिट्स काम कर रहे हैं, ये क्या होता है आपको नहीं पता क्योंकि अभी तक से मैंने बताया नहीं कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स क्या होता है. अगर आप विद इन इलास्टिक लिमिट्स काम करते हैं तो आपका स्ट्रेस और आपका स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. यानी कि अगर आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो लेंगे तो वो एक कॉन्स्टेंट आना चाहिए और वो कॉन्स्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम के एक घराने को बिलोंग करता है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक घराना है. अब आपको पता चला कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर हमने डिवाइड किया तो यंग्स मॉडुलस नाम का एक कॉन्स्टेंट है. यंग्स मॉडुलस नाम का कॉन्स्टेंट इस घराने को बिलोंग करता है. ये घराना एक जनरल घराना है. पर अगर आपने अलग अलग लोगों को डिवाइड किया
तो कांस्टेंट का नाम अलग है, वो कांस्टेंट इन दोनों के डिवीजन की वजह से आता है, पर वो घराना तो इसी का है, मतलब इट बिलोंग्स टू द सेम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला घराना। सिमिलरली बल्क मॉड्यूलस कब आएगा, जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कब आएगा, जब आप शियरिंग के बारे में बात करते हैं। क्या आपको ये तीन कॉन्स्टेंट्स के बारे में समझ में आ रहा है? पक्का? क्या आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्स्टेंट्स हम क्यों का क्यों बोल रहा हूं, कहां से निकाल रहे हैं? पक्का क्लियर है? ठीक है, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या आप निकाल पाओगे? बोलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या आप उसको निकाल पाएंगे, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को? सोच के देखिए, यंग्स मॉडुलस यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। आप बता सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू एरिया। तैयार है आपका फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का? सिंपल था। चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ना लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, इनके फॉर्मूले तो आपको पहले से पता है। तो बस पुट करने में कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को, बराबर है ना? बढ़िया, ठीक है। आप बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? आप बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? के का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बराबर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था क्लास? डेल्टा वी बाय वी। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे? अरे बाबा, क्यों बार बार अपना वीडियो ऑन कर रहे हो? कौन है ये पूजा? पूजा क्या प्रॉब्लम है? व्हाई आर यू टर्निंग ऑन योर वीडियोस अगेन एंड अगेन? वहां पे वीडियो का बटन है, दबाओ मत ना आप। एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। तैयार है आपके बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला? आखिरी क्या बचता है क्लास अपना, कौन सा मॉड्यूलस बचता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिनोटेड बाय ईटा। तो ईटा का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? शियरिंग स्ट्रेस अपॉन थीटा, अगर आपको याद आएगा तो। जो शियरिंग स्ट्रेन था वो अल्टीमेटली हमने सॉल्व करके थीटा लाया था,
तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। आ गए आपने तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू, एक जगह पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, एफ एल अपॉन ए टाइम्स डेल्टा एल। के का क्या फॉर्मूला था, एफ वी ए टाइम्स डेल्टा वी। और ईटा का क्या फॉर्मूला था आपके पास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईटा, एफ अपॉन ए थीटा। ये है आपके तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। आई होप आपको ये बात याद रहेगी कि शेयरिंग के टाइम पे हमने शेयरिंग स्ट्रेन को अल्टीमेटली थीटा बना दिया था, डेल्टा एल बाय एल इस टैन थीटा, और इस थीटा को, टैन थीटा को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया था। अगर आपका एंगल बहुत छोटा होगा तो टैन थीटा कैन बी इक्वेटेड टू थीटा। सो इसलिए अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो जब मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कर रहा था तो मैंने ऊपर शियरिंग स्ट्रेस तो लिखा ही है, मैंने नीचे शियरिंग स्ट्रेन की जगह पे थीटा पुट कर दिया। हाँ या ना, क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। है ना, बढ़िया। एनी डाउट्स? पक्का? दैट्स ग्रेट। सो क्लास आज के लिए इतना काफी है। आज हमने अलग अलग स्ट्रेस और अलग अलग स्ट्रेन के बारे में चर्चा की है, ठीक है। व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज टू इज दैट कि आज का लेक्चर आप अच्छी तरह से करके आए, सारे के सारे स्ट्रेस, सारे के सारे स्ट्रेन, और उनका रेशियो लेने के बाद जो कांस्टेंट आता है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। सो अगले लेक्चर में आने के बाद हम इसके आगे और एक है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नाम का एक कर्व है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है। डन एवरीबॉडी? तुम लोग पढ़ के आने वाले हो ना? बढ़िया, चलिए बाय।